गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, आपको ये डिफरेंस फाइंड करने के लिए या डिफरेंस के बारे में जानने के लिए ये जरूरी है कि आप रेशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी पहले से रखें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहां जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में डिफरेंस कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है या फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि रेशनल ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, इन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रेशनल नंबर की यह पहचान है। अभी और भी एक पहचान है लेकिन हम एक एक करके इनमें डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो रेशनल नंबर की पहली पहचान यह होती है कि पी अपॉन क्यू, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम फ्रैक्शन में करते हैं। फ्रैक्शन में भी यही होता है कि पी अपॉन क्यू, ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप देख रहे होंगे यहां तक कि यहां तक तो कुछ भी अंतर है नहीं, यानी रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शन में यहां तक तो कोई भी अंतर है नहीं। वही रेशनल नंबर भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और फ्रैक्शंस भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक तो आप देख रहे होंगे कोई भी अंतर है नहीं, कोई भी डिफरेंस है नहीं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं और वहीं से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये तो था पहला पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि पी और क्यू रेशनल नंबर्स में दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, दोनों में ही इंटीजर्स होते हैं। यानी रेशनल नंबर्स में पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में की बात करें, अगर हम फ्रैक्शन पर जाएं तो दोनों में ही पी और क्यू क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स बस यहीं पर आकर के, इस दूसरे पॉइंट पर ही आकर के आप पहचान सकते हैं कि रेशनल नंबर्स में और फ्रैक्शन में क्या अंतर होता है, क्या मेन डिफरेंस होता है। यानी इसमें तो पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शंस में पी और क्यू दोनों ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब आप नेचुरल नंबर्स भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से इंटीजर्स भी हम पढ़ा चुके हैं। इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर्स में पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शन में पी और क्यू दोनों ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूं स्टूडेंट्स में, और ये बात क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए कि रेशनल नंबर्स के अंदर से ही हम फ्रैक्शंस निकालते हैं, रेशनल नंबर के अंदर से ही हम फ्रैक्शन निकालते हैं। यानी देखें जरा, आप ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर ही फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन कहीं बाहर से नहीं आते। तो देखिए जरा, हम रेशनल नंबर में कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए जैसे कि 2/3 -3/5, इसी तरीके से 6/4। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि 7 -7/5 1/2 3/3/ मान लीजिए, ले लीजिए 7। कुछ इसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं 8/9। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये एग्जाम्पल रेशनल नंबर्स के हैं क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और दोनों ही इंटीजर्स हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों ही इंटीजर हैं। अब हम इनमें से ही फ्रैक्शन निकालेंगे, आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के अंदर से ही फ्रैक्शन निकल करके आते हैं। तो देखिए इनमें से कौन कौन से फ्रैक्शन हो सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन ये रहा 2/3, एक 6/4, आप इसे कट करके 3/2 बन जाएगा, इसी तरीके से 1/2 3/7 और 8/9। ये फ्रैक्शंस हैं स्टूडेंट्स। अब आप ये कहेंगे कि ये फ्रैक्शंस क्यों हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर तो है ही है साथ में फ्रैक्शन भी है। अब फ्रैक्शन कैसे हैं, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है जहां पी और क्यू दोनों ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो देखिए 2 भी नेचुरल नंबर है और 3 भी नेचुरल नंबर है,
सिक्स भी नेचुरल नंबर, फोर भी नेचुरल नंबर, वन भी नेचुरल नंबर, टू भी नेचुरल नंबर, इसी तरीके से ये दो नेचुरल नंबर और इसी तरह ये दो नेचुरल नंबर, तो इन्हें उठा करके मैं इधर रखता हूं, मतलब टू अपॉन थ्री कॉमा सिक्स अपॉन फोर, हम चाहें तो इसे कट कर सकते हैं, तो ये क्या जाएगा थ्री अपॉन टू, इक्वल का साइन लगा देता हूं, ठीक है। और आगे वन अपॉन टू, ठीक है, इसी तरीके से थ्री अपॉन सेवन और इसी तरह एट अपॉन नाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि रैशनल नंबर्स के बीच में से हमने उठा करके फ्रैक्शन लिख दिए। इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होते। आपने देखा कि सभी फ्रैक्शन, जितने ही फ्रैक्शन होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होते स्टूडेंट्स। तो ये तो इनमें हो गया डिफरेंस, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सामने में यह आ गया होगा कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में मुख्य अंतर क्या होता है। तो मुख्य अंतर यही होता है कि इसमें P और Q दोनों ही नेचुरल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर में P और Q दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सभी फ्रैक्शन नंबर्स इंटीजर्स, सभी फ्रैक्शन नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर फ्रैक्शंस नहीं होते। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होते स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, नंबर वन, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर वन प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर वन पर है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन से आते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, आप कह सकते हैं कि P Q से छोटा होता है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, जैसे कि 2/3, 1/7, 8/9, 3/8 एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इन सभी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्टूडेंट्स छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हम बात करेंगे इम प्रॉपर फ्रैक्शंस की। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इन्हीं को आप उल्टा कर दीजिए, यानी 3/2, 7/1, 9/8, इसी तरीके से 8/3 और एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि हम इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं कि अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड कर दें तो यही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाते हैं। कैसे, 3 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो कितने टाइम जाएगा बताइए, 1/2, कुछ इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप 7 को तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, 9/8 को कैसे लिख सकते हैं आप, 9/8 को लिख सकते हैं आप किस तरीके से, सोचिए कि 1/8, इस तरीके से 8/3 को डिवाइड करके देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं आप, 3 × 2 = 6, बचेंगे 2, तो आप इसे लिख सकते हैं 2/3। तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम मिक्स, यानी एक कंप्लीट नंबर और दूसरा फ्रैक्शन के रूप में जब हम लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शन, आप इन्हें इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके पूरी समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, हमने आज यहां पर रेशनल नंबर्स ऑफ फ्रैक्शंस में डिफरेंस देखा और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को भी पढ़ा। स्टूडेंट्स, अगर आपकी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगे आपको। और स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।